क्या आपको पता है यू कैन इजीली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वीडियोस फ्रॉम दिस टू दिस, बट द क्वेश्चन इज हाउ। सो देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं बट पिछले 2 सालों से एज एन फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, एंड इन 2 सालों में मैंने आर्ट के बारे में तो कई सारी चीज़ें सीखी है, बट जस्ट बिकॉज मैं वीडियोज़ भी कंसिस्टेंटली क्रिएट कर ही रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो क्रिएशन के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है। एंड इस वीडियो में हम आर्ट को साइड पर रखकर सिर्फ वीडियो क्रिएशन की ही बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड लास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रो टिप देने वाला हूँ, सो डोंट मिस दैट। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिवाइस कि मैं कौन सा डिवाइस यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। सो करंटली आई हैव दिस MI Note 10 Pro जिसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट स्टिल मैं कुछ ना कुछ मैनेज करके इसकी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल लेता हूँ। एंड एज ये एक सिंपल सा एंड्रॉइड फोन है जिसका कॉस्ट अराउंड 17,000 to 18,000 है, एंड आई एम श्योर आप लोगों के पास भी इसी रेंज के बीच कोई ना कोई मोबाइल जरूर होगा, एंड आप उसी मोबाइल से एक डिसेंट क्वालिटी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपको कुछ चीजों के बारे में नॉलेज हो तो, जिनमें से एक तो है वीडियो रेजोल्यूशन। ऑलवेज ट्राई कि आप मोस्टली 1080/60 FPS पर ही रिकॉर्ड करो, आई जस्ट होप कि आपके डिवाइस में वो अवेलेबल हो। मेरे मोबाइल में 4K भी अवेलेबल है बट वो 30 FPS पर रिकॉर्ड होता है, इसीलिए मैं उसे उतना ज्यादा प्रीफर नहीं करता, बिकॉज हमें रिकॉर्ड करने होते हैं ड्राइंग वीडियोज जिसमें हमारा हैंड मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, एंड कई बार मुझे वीडियो को स्लो भी करना होता है, एंड 60 FPS पर रिकॉर्ड करे हुए वीडियो को अगर हम स्लो करे दिन वो बिल्कुल भी लैग नहीं होता, एंड वहीं अगर हम 30 FPS पर रिकॉर्ड करे हुए वीडियो को थोड़ा सा भी स्लो करे दिन वो लैग होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज द रीजन आई ऑलवेज रिकॉर्ड इन 60 FPS, एंड मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगा। एंड मैं 4K 30 FPS का भी यूज करता हूँ बट टू ओनली रिकॉर्ड फेस कैम वीडियो जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर तो हैंड मूवमेंट वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड वन मोर थिंग, रिकॉर्डिंग से पहले आपको हमेशा एक्सपोजर को लॉक करना है जिससे कि आपका फोकस एंड ब्राइटनेस बिल्कुल स्टेबल रहे, इस तरह से कम या ज्यादा ना हो, एंड ये चीज टाइम लैप्स वीडियो में काफी ज्यादा अफेक्ट करता है, देखने वाले के एक्सपीरियंस को काफी बेकार बना देता है, सो कीप दैट इन माइंड। एंड ये तो बात हो गई डिवाइस की, बट एज वी आर आर्टिस्ट एंड हमारा काम घर पर बैठकर ही होता है, दैट इज हमें इंडोर वीडियोज ही रिकॉर्ड करने होते हैं, एंड उसके लिए एक अच्छा लाइट सोर्स का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे वीडियो की क्वालिटी टोटली हमारे लाइट्स के ऊपर ही डिपेंड है। हाँ, मान लो अगर आपका टेबल बिल्कुल आपके विंडो के सामने है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बिकॉज नेचुरल लाइट इज द बेस्ट लाइट, बट अगर आपको रात को वीडियो रिकॉर्ड करना है या फिर आपका टेबल ऐसी जगह पर है जहाँ पर नेचुरल लाइट आती ही ना हो, लाइक मेरे टेबल तक तो नहीं आती, एंड दैट्स व्हाई मैं इस सॉफ्ट बॉक्स का यूज करता हूँ जो कि बेस्ट है किसी भी टाइप के वीडियो क्रिएशन के लिए। एंड डोंट वरी, अगर आप अभी नहीं ले सकते देन आप घर पर भी काफी इजिली बना सकते हो, आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पर ही, एक दो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। एंड दिस इज जस्ट माई मेन लाइट, मैं और भी डिफरेंट लाइट्स का यूज करता हूँ बैकग्राउंड के लिए, लाइक एक तो ये ब्लू कलर का है एंड एक लोकल सा रिंग लाइट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसे भी मैं एज अ बैकग्राउंड लाइट ही यूज करता हूँ। एंड ये सारी चीजें ही हमारे सिंपल से वीडियो को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। लाइक ये वाला वीडियो आप देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ मेन लाइट का ही यूज किया है एंड ये थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, बट वहीं अगर मैं बैकग्राउंड को सेटअप करके थोड़ा एक दो लाइट्स का यूज करूँ देन वो कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि पहले से तो बेटर ही है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको सिर्फ अपना ड्रॉइंग शीट ही दिखाना है देन एक मेन लाइट सोर्स इनफ है, एंड अगर आपको मेरी तरह चूल्हे एक सेटअप बिल्ड करने की देन आप लाइट से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि ज्यादा अतरंगी मत बना देना, बिकॉज फिर वो एक क्लब वाली फील देने लगेगा, एंड आपको जितना हो सके उतना अपने सेटअप को प्रोफेशनल ही रखना है। सो अब आपको डिवाइस के बारे में पता है, लाइट्स के बारे में पता है, बट आप वीडियोस के रिकॉर्ड किस तरह से करोगे, आई मीन कौन सा स्टैंड यूज करोगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप इस तरह के ट्राइपॉड के चक्कर में मत पड़ना, बिकॉज ये ड्राइंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के किसी भी काम में नहीं आता। अगर आपको साइड एंगल या फिर फेस कैम वगैरह रिकॉर्ड करना है देन दिस इज यूजफुल, अदरवाइज ये स्टैंड बेस्ट है आपके ड्राइंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। इससे आप ओवरहेड, साइड एंगल या फिर किसी भी एंगल से रिकॉर्ड कर सकते हो, बिकॉज ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड ये बिल्कुल स्टेबल भी रहता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड इसका प्राइस अराउंड 1000 rupees है, सो अगर आप लेना चाहो तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो यू कैन यूज दिस सिंपल टेप लाइक दिस, जिसका मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ, यू कैन ऑल्सो ट्राई बिकॉज ये काफी ज्यादा यूजफुल है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग विच इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। अब इसका सेकंड स्टेप आता है एडिटिंग, जो कि अगेन मैं फोन में ही करता हूँ इनशॉट एप्लीकेशन में। यू कैन ऑल्सो यूज दिस एप्लीकेशन बिकॉज ये काफी ज्यादा सिंपल है, 2-4 दिनों में आप इजिली समझ जाओगे। एंड बाकी आपको एडिटिंग में क्या करना है कैसे करना है वो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज आपकी वीडियो आपको किस तरह से पोर्ट्रे करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि वीडियोज को आपको हमेशा रिटच करना है, दैट इज ब्राइटनेस सैचुरेशन वगैरह आपको एडजस्ट करना है, एंड बाकी एज अ सेड कि आपके ऊपर डिपेंड है, जो कि धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस से सीख ही जाओगे। एंड नाउ द प्रो टिप जो मैंने आपको बोला था लास्ट में देने वाला हूँ, विच इज आपको रिकॉर्डिंग से पहले हमेशा लेंस को क्लीन करना है, बिकॉज ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी इसी चीज पर डिपेंड है। अगर लेंस पर थोड़ा सा भी डस्ट या फिंगरप्रिंट का मार्क हुआ देन क्वालिटी नीचे गिरने वाली है, एंड उसे गिरने से बचाने के लिए आपको हमेशा लेंस को क्लीन करना है। एंड ट्रस्ट मी, ये सच में काफी ज्यादा प्रो टिप है, सो इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो यही कुछ बेसिक एंड सिंपल से चीज है जिससे आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो, एंड आई जस्ट होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो को क्रिएट करने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए, तो हो सके तो अपने 3 सेकंड निकाल कर वीडियो को सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक।